पानीपत शहरी विधायिका रोहिता रेवड़ी पर हुए जानलेवा हमले में शामिल 5 बदमाशों को पकड़ने में पुलिस ने सफलता हासिल की है। इन बदमाशों ने रोहिता रेवड़ी की गाड़ी पर हमला किया और उनके पीए और गनमैन को पीटने की कोशिश की। पुलिस ने 2 बदमाशों को आज गिरफ्तार किया है, जबकि 3 को रिमांड पर लिया गया है। पुलिस का कहना है कि बदमाशों से पूछताछ जारी है और हर एंगल से मामले की जांच कर रही है। गिरफ्तार करका आज सुबह और अब रिमांड पर लाए हैं, 3 दिन के रिमांड पर, विक्की और अमरीक, और 3 ने अभी गिरफ्तार करे हैं, प्रिंस, चिराग और बिट्टू। भाई अभी जांच तफ्तीश है ना, चल रही है, और जो अमल में आओगी वो बता दी जाओगी। बता दें कि विधायिका पानीपत शहर में ही एक जागरण में जा रही थीं, जिस दौरान उन पर हमला किया गया था। हालांकि विधायिका ने राजनीतिक पार्टियों पर साजिशन हमला करवाने के आरोप लगाए हैं। पानीपत से अनिल कुमार, पंजाब केसरी टीवी। व्यापार में लाभ होगा या हानि, रिश्तों में कैसे सुलझेगी परेशानी, किसका बनेगा शादी का योग, कौन से उपाय से कटेंगे रोग, मैं बताऊंगा मेष से लेकर मीन राशि का हाल। भविष्यवाणी लाइव में पंजाब केसरी टीवी पर रोज सुबह 8 बजे।